फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का एक मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ते को घर पे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर उबले हुए आलू को मैंने ग्रेट करके ले लिया है 1/2 कप, इसको डाल देते हैं। 2 चम्मच हरी मिर्च को काट के डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनता है, खस्ता बनता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर अदरक लहसुन को काट कर भी डाल सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे। डो को ज़्यादा गीला नहीं करना है या फिर टाइट भी नहीं करना है, जैसे हम रोटी और पराठे के लिए डो लगाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डो हमारा रेडी हो गया है। इस डो को आप चाहे तो 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं या फिर तुरंत ही बना सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, छोटा सा लोई तोड़ लेंगे, लोई को थोड़ा सा गोल करके चिकना कर लेंगे और इसको हम टिकिया का आकार दे देंगे चपटा करके। देखिए कुछ इस तरह का। मैं और एक बना के आपको दिखाती हूँ, बहुत आसान है इसको बनाना। छोटा सा लोई तोड़ लेंगे, इसको गोल करके चिकना कर लेंगे और चिपटा करके टिकिया का आकार दे देंगे। आप अपना पसंद का आकार दे सकते हैं, चौकन भी कर सकते हैं या फिर ट्रेंगल शेप भी दे सकते हैं या फिर गोल भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे इसको बना सकते हैं। बहुत सारा टिकिया को हम पहले बना कर रख लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम में रखेंगे। कढ़ाई में जितना स्पेस है उतना ही हम टिकिया डालेंगे, एक साथ ज़्यादा भरकर नहीं डालना है। 2 मिनट तक इस तरह छोड़ने के बाद हम पलट देंगे। एक तरफ का गोल्डन कलर आ चुका है, पलटते पलटते हम गोल्डन कलर आते तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुका है, नाश्ता हमारा फ्राई होके रेडी हो गया है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है और अंदर तक भी सिक गया है। ऐसे ही और एक बार मैं बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पर कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर सकते हैं या फिर इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2nd बैच का भी नाश्ता हमारा फ्राई होके रेडी हो गया है। बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। ऐसे ही सारे नाश्ते को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लीजिए, गेहूं का आटे का हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बनके रेडी है। इसको देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। सिर्फ 10 मिनट में नाश्ता बनके रेडी हो गया है। आप इस नाश्ते को सुबह भी खा सकते हो या फिर शाम को भी खा सकते हो या फिर बच्चे का टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। इस नाश्ते को आप कोई भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।